वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं जीके प्रताप चैनल। तो आज मैं फिर से लेके आया हूं करंट जीके का पार्ट 15, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है। दोस्तों, इससे पहले पार्ट 14 अपलोड हो चुके हैं और उनमें लगभग 150 से ऊपर क्वेश्चंस है दोस्तों। तो अगर आप इन सभी पार्ट को एक बार देख लेते हैं तो आपके करंट जीके का रिविज़न बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा और इनमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ भी सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मैं कहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक भी कर दें। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। फर्स्ट तो दोस्तों, अगर अपन पहला क्वेश्चन देखें, सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत शिक्षण संस्थानों तथा केंद्र की नौकरियों में 10% आरक्षण दिया गया है? वर्तमान में दोस्तों आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% आरक्षण दिया है सरकारी नौकरियों में और शिक्षण संस्थानों में। तो इसका पहला है 124वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019, दूसरा 126वां, तीसरा 125वां और चौथा है 103वां। तो दोस्तों, इसके अंदर दो कन्फ्यूजन है। एक, इसके अंदर बात की जा रही है कि संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है, ये तो इसमें पूछा गया है। तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 103वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो है अभी अभी पारित हो गया है। और दोस्तों, अपन अगर बात करें कि ये 124वां संविधान संशोधन अधिनियम, यानी कि ये जो संविधान संशोधन का जो बिल लाया गया है, विधेयक जो लाया गया है, ये कौन सा था? तो उसकी अगर बात करें तो वो है 124वां। ये 124वां संविधान संशोधन बिल यानी विधेयक लाया गया है, जबकि संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा पास हुआ है? तो वो है 103। ये दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है दोस्तों। संविधान संशोधन अधिनियम तो 103 है, जबकि बिल यानी विधेयक जो है वह 124वां है। नेक्स्ट, 15वीं विधानसभा के लिए किसे विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया है? विधानसभा अध्यक्ष की बात की जा रही है दोस्तों। तो विधानसभा अध्यक्ष पहला है महेश जोशी, दूसरा सीपी जोशी, तीसरा महेंद्र चौधरी और चौथा दीपेंद्र सिंह शेखावत। तो विधानसभा अध्यक्ष जिसे बनाया गया है वह है सीपी जोशी। ये भी ध्यान रखना दोस्तों, ये 15वीं विधानसभा चल रही है। इससे पहले जो वसुंधरा जी की सरकार थी वो 14वीं विधानसभा थी, अभी 15वीं विधानसभा चल रही है। नेक्स्ट है, अशोक गहलोत सरकार ने विधानसभा में किसे मुख्य सचेतक बनाया है? मुख्य सचेतक की बात की जा रही है कि मुख्य सचेतक कौन सा है, मतलब कौन है? तो पहला देखिए महेश जोशी, दूसरा सीपी जोशी, तीसरा महेंद्र चौधरी और चौथा है दीपेंद्र सिंह शेखावत। तो बात करें इसके सही आंसर की दोस्तों, तो इसका सही आंसर जो है वो है मुख्य सचेतक जिसको बनाया है वो है महेश जोशी। इससे पहले जानकारी के लिए मैं बता देता हूं दोस्तों आपको, इससे पहले जो सरकार थी वसुंधरा जी की सरकार, उसमें जो मुख्य सचेतक थे वो कौरलाल गुर्जर थे। तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है, वो ऑप्शन में आपको कौरलाल गुर्जर भी दे सकते हैं। बहुत सारे जने इसको भी लगा सकते हैं कि मुख्य सचेतक जो है वो कौरलाल गुर्जर है, लेकिन सरकार चेंज हो गई और नए जो मुख्य सचेतक वो है महेश जोशी है। नेक्स्ट है, होपमैन कप 2018 का विजेता है? होपमैन कप 2018, सबसे पहले तो अपन ये देख लेते हैं होपमैन कप होता क्या है। दोस्तों, होपमैन कप है जो एक टेनिस का टूर्नामेंट होता है, टेनिस का गेम होता है दोस्तों, और ये भी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में पर्थ में आयोजित हुआ था। तो इसमें पूछा गया है कि इसका विजेता कौन है? पहला जर्मनी, दूसरा स्विट्जरलैंड, तीसरा इंग्लैंड और चौथा है स्पेन। तो दोस्तों, इसका जो विजेता है वो है स्विट्जरलैंड। इस बार होपमैन कप जो है वो जीता है स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने अपने देश की सीमा के बाहर किस बंदरगाह का संचालन संभाला है? यानी देश की सीमा के बाहर बंदरगाह का संचालन संभाला है। पहला है ग्वादर बंदरगाह, दूसरा चाबहार बंदरगाह है, तीसरा हबनटोटा बंदरगाह है, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों चाबहार बंदरगाह। अब देख लेते हैं चाबहार बंदरगाह क्या है, कहाँ है। तो दोस्तों, ये जो है ईरान में है, दक्षिण पूर्वी ईरान में है ये बंदरगाह है, ओमान की खाड़ी के पास में, दक्षिण पूर्वी ईरान में। इसका जो संचालन है अभी भी भारत ने संभाला है। तो ये दोस्तों इम्पोर्टेंट हो जाता है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुख्य अर्थशास्त्री पद पर पहुँचने वाली प्रथम महिला है? मुख्य अर्थशास्त्री, वो भी किसने? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF।
जिसको शॉर्ट में अपन IMF कहते हैं। इसमें मुख्य अर्थशास्त्री के जो है पद पर पहुंचने वाली प्रथम महिला के बारे में पूछा है। पहला है गीता गोपीनाथ, दूसरा राधा गोपीनाथ, तीसरा सविता राधा रानी, चौथा है पंकजा गोस्वामी। तो इसमें दोस्तों कंफ्यूज करने के लिए देखो गोपीनाथ गोपीनाथ दे रखा है, सभी ऑप्शन में भी गोपीनाथ आ सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गीता गोपीनाथ। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को पीछे छोड़ते हुए निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी मार्केट कैप के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आपको आ जाना चाहिए, क्योंकि ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि वह कौन सी कंपनी है जिसने माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़ के सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। तो इसका जो सही आंसर था दोस्तों वो था अमेजॉन। अमेजॉन ने जो है माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनी है। नेक्स्ट है, नासा ने सौर मंडल से बाहर किस नए ग्रह को खोजा है। यानी उन्हें सौर मंडल से बाहर एक नए ग्रह की खोज की है नासा ने। तो इसमें जिस ग्रह को खोजा है उसका नाम है HD 21749B। HD 21749B ये है उस ग्रह का नाम जिसे नासा ने सौर मंडल के बाहर खोजा है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड बैंक ने अपनी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स नामक रिपोर्ट में किसे सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था का पूर्वानुमान लगाया है। यानी सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था, तो पहला है भारत, दूसरा सिंगापुर, तीसरा ब्रिटेन, चौथा है अमेरिका। इसका आंसर लगाने में हमें दोस्तों कन्फ्यूजन हो सकता है कि अमेरिका हो सकता है, सिंगापुर हो सकता है, भारत हो सकता है, ब्रिटेन हो सकता है, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो है भारत। सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था का जो अनुमान लगाया वर्ल्ड बैंक ने ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट नामक रिपोर्ट में, तो वो देश जो है वो है भारत देश। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा राज्य यूनिवर्सल बेसिक इनकम लागू करने की योजना पर काम कर रहा है। यूनिवर्सल बेसिक इनकम दोस्तों एक निश्चित इनकम है जो कि राज्य के हर एक नागरिक को दी जाएगी। ऐसी ही किसी स्कीम पर जो है काम कर रहा है उस राज्य के बारे में पूछा है। पहला है राजस्थान, दूसरा सिक्किम, तीसरा आंध्र प्रदेश और चौथा है तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सिक्किम। सिक्किम जो है दोस्तों वो काम कर रहा है यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम, जिनमें राज्य के हर एक परिवार से सभी सदस्यों को जो है एक निश्चित इनकम दी जाएगी। नेक्स्ट अगर बात करें, राजस्थान की 15वीं विधानसभा में किसे प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। प्रोटेम स्पीकर, पहले प्रोटेम स्पीकर के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। प्रोटेम स्पीकर वो होता है जब तक विधानसभा अध्यक्ष का जो है चयन नहीं हो जाता है, जब तक विधानसभा अध्यक्ष नहीं बन जाता है तब तक विधायकों को और सभी को शपथ दिलाने का काम करते हैं प्रोटेम स्पीकर। तो प्रोटेम स्पीकर जिसे बनाया जाता है वो जो है सदन का सबसे वरिष्ठतम सदस्य होता है, और उस हिसाब से जो है गुलाब चंद कटारिया, इसका सही आंसर हो जाएगा गुलाब चंद कटारिया। इनको राजस्थान की 15वीं विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। नेक्स्ट है, OBC तथा गरीब सवर्णों के लिए क्रीमिलेयर सीमा कितनी रखी गई है। क्रीमिलेयर सीमा की अगर बात करें दोस्तों, क्रीमिलेयर और नॉन क्रीमिलेयर दो चीज़ें होती हैं। क्रीमिलेयर सीमा को क्रॉस करने वाले जो है नॉन क्रीमिलेयर में आ जाते हैं, जो क्रॉस नहीं करते हैं। और क्रीमिलेयर सीमा की बात करें दोस्तों तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 लाख रुपए वार्षिक। यानी जिनकी इनकम 8 लाख रुपए वार्षिक से कम है वो नॉन क्रीमिलेयर हो जाएंगे, ये OBC की श्रेणी में आएंगे। या जिनकी जो है इनकम 8 लाख क्रॉस कर चुकी है वो नॉन क्रीमिलेयर में आएंगे, और वो जो है इसकी सीमा क्रॉस कर चुके हैं। तो 8 लाख से कम और 8 लाख से ज़्यादा, तो क्रीमिलेयर की जो सीमा रखी गई है वो है 8 लाख रुपये वार्षिक। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में किस नदी पर रेणुका बांध का निर्माण किया जा रहा है, जिससे देश के 6 राज्य राजस्थान, दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश व हरियाणा लाभान्वित होंगे। सबसे पहले तो हिमाचल प्रदेश ध्यान रखना है, फिर उसका सिरमौर जिला, उसके बाद जो है रेणुका बांध, और इसमें कितने राज्य भाग ले रहे हैं, तो 6 राज्य, राजस्थान, दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश व हरियाणा।
अब बात करें कि कौन सी नदी पे बनाया गया है, तो पहला व्यास नदी, दूसरा घग्गर नदी, तीसरा गिरी नदी और चौथा है जलम नदी। तो ये जो रेणुका बांध बनाया जा रहा है, ये बनाया जा रहा है गिरी नदी के ऊपर। छह राज्यों से संबंधित है, कौन सा बांध बनाया जा रहा है तो रेणुका बांध, और किस राज्य में बनाया जा रहा है तो हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में। नेक्स्ट है H1B वीजा का संबंध किस देश से है। जैसे आप नाम सुनो H1B तो डायरेक्ट अमेरिका टिक कर देना, इसका आंसर हमेशा अमेरिका ही सही होगा, क्योंकि H1B वीजा का संबंध हमेशा अमेरिका से ही होता है। नेक्स्ट है भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र बनाए जाने की घोषणा की है, इसका पहला निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो उसका जो पहला निदेशक नियुक्त किया गया है, पहला है S. उन्नीकृष्णम, दूसरा डॉक्टर के सिवान, तीसरा M. राधाकृष्णम, चौथा KC कुमार मंगलम। तो इसका सही आंसर है S. उन्नीकृष्णम। इनको जो है पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र जो बनाया जाएगा उसका निदेशक नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो GK प्रताप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। जय हिंद।